तो नमस्ते प्रणाम। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 25 सितंबर 2024 है। आज हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई है कि लोग बारिश से परेशान हो जा रहे हैं। सबके खेतों पानी बह रहा है, इतना ज्यादा है, ये देखिए बरसात के समय। और लीजिए गाइस, इतना पानी बरस रहा है, इतना बारिश हुई है, पूरा रात भर 13-14 घंटे की बारिश का ये पानी है, देख लीजिए यहाँ पर। और ये मेरे खेत है, ये पापा हमारे इतना मेहनत करके इतना मिट्टी रख के बनाए हुए थे, जिसमें से ये सारा फूट गया है। अब हम सब इतना परेशान हो जाएंगे। और देख दिखा सकते हैं गाइस आप सबको, और इधर ये खेत है मेरा, और ये देख लीजिए, मैं दिखा रही हूँ आप सबको। इतना इधर टूट गया है, इतना ये सारे बंधे बने हुए थे, यहाँ पर इतना टूट गया है, ये देख सकते हैं। और इतनी मिट्टी कहाँ से मिलेगी, हम सब इतने परेशान हो जाएंगे, पापा और मम्मी कहाँ से हम सब बांधेंगे। अपने घर की मैं अकेली हूँ, और ऐसे बारिश हो रही है, किसी तरीके से बारिश अगर हो रही है ऐसे होगी तो हम सब बहुत परेशान हो जाएंगे, देख लीजिए गाइस हम सब क्या करें। और इतना बारिश हुई कभी नहीं हुई थी। देखिए दोस्तों, ये मेरा घर है ऐसे, और इतने बारिश हुई है इसके वजह से ये देखो टूट फूट के ये गिर गया है पूरा रात भर में। ये देखिए हम सब कहाँ जाएं, कैसे रहें, ये देख लीजिए इतना ज़्यादा बारिश हुई है, सब हम सब बहुत परेशान हैं। और ये हमारा घर है, उधर भीड़ से पानी बरस बरस के सारा मिट्टी उट्टी गिर जा रही है, इधर यहाँ गिरा हुआ है, ये देख लीजिए इधर भी। पापा हमारे परेशान हो जा रहे हैं, वो लेटरिंग बनी हुई थी, देख लीजिए गाइस ऐसे लेटरिन बनाए थे हमारे यहाँ प्रधान, बिल्कुल अच्छा ही नहीं है। और इसमें जरा सा भी कभी भी यूज भी नहीं किया गया, टूट फूट जा रही है देख लीजिए, और बारिश के समय में ऐसे बन गया है। और हम सब गरीब आदमी कैसे बनाए यहाँ पर, देख लीजिए परेशान हो जा रहे हैं। ये पापा हमारे ऐसे कितनी मिट्टी रखेंगे, फूट फूट के सारा गिरा जा रहा है, ये लेटरिन वेटरिन सारा टूट फूट जा रही है। और ये देख लीजिए दोस्तों, बाहर का बंधा फूट गया है वहाँ से, इसके वजह से इतना ढेर सारा पानी बह के आ रहा है, देख लीजिए बहुत बारिश हुई है, इतना पानी जा रहा है, सारा गोमती माता में जाएगा पानी, और इतना संभाला कैसे जाएगा, देख लीजिए बहुत परेशान हैं हम सब। तो हम सबसे निवेदन यही करते हैं कि चकबंदी कराया जाए, पानी की रोकथाम करवाया जाए, ताकि गरीब घरों का सबका बचत हो, किसी का घर द्वार टूटे ना, गिरे ना, और सब परेशान ना हो इतना, देख लीजिए